तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में। तो यार आज की इस वीडियो में मैंने कीबोर्ड के बारे में चार ऐसी सेटिंग के बारे में बताए हैं जो कि आपके टाइपिंग एक्सपीरियंस को एकदम ही बदल देंगे, या फिर अगर आपको कोई मैसेज जो है किसी को बार बार भेजना पड़ता है तो वो मैसेज भी आप डायरेक्टली वहीं से भेज सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सेटिंग्स के बारे में बात की है, जो एंड तक ज़रूर देख के जाना। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। और हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे सबसे पहले सेटिंग के बारे में। तो इस सेटिंग के जरिए आप जो है आपका जो कीबोर्ड है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर मेरा जो कीबोर्ड है अभी नीचे की साइड में है, लेकिन वो जो सेटिंग है उसे करने के बाद जो है ये जो मेरा कीबोर्ड है ये स्क्रीन पर जो मैं ऊपर पे राइट साइड पर या फिर लेफ्ट साइड पर कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको आपके कीबोर्ड में जो है कुछ ऐसे फंक्शन भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि एक शॉर्टकट होते हैं बहुत सारे सेटिंग के या फिर फीचर्स के। तो यहाँ पर जो है आपको आपके कीबोर्ड में 3 डॉट देखने के लिए मिल जाएंगे, तो पर आपको क्लिक करना होगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और भी कई सारी सेटिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, उसमें से आपको जो है मोड्स के ऊपर में सिलेक्ट कर लेना होगा, या फिर अलग अलग कीबोर्ड में जो है अलग अलग सेटिंग होती है यहाँ पर आपको जो है मोड्स के ऊपर में क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको फ्लोट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। जनरली बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद यहीं पर ही आपको फ्लोट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर अगर आपको वहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलता है तो आपको जो है सेटिंग में जाकर के या फिर और कहीं सेटिंग में जाकर के जो है आपको वो फ्लोट का जो ऑप्शन होता है उसको आपको फाइंड करना होगा। सो यहाँ पर जो है मैं मोड्स पर क्लिक करके जो है यहाँ पर अगर मैं फ्लोट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो कीबोर्ड है ये अभी फ्लोट हो गया है, मतलब मैं यहाँ से कहीं से भी टाइप कर सकता हूँ या फिर मैं जो है इसे यहाँ पर ले जा सकता हूँ या फिर यहाँ पर ले जा सकता हूँ। क्या होगा कि अगर आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन जो है अगर नीचे से थोड़ी खराब है, कोई जो वर्ड होते हैं वो हमें टाइप नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ की स्क्रीन जो है वो खराब होती है, तो आप जो है इस सेटिंग के जरिए आपके कीबोर्ड को जो है फ्लोट कर सकते हैं या फिर आप जो है इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और अगर आपको जो है फिर से इसे वैसे का वैसा मतलब नॉर्मल तरीके से करना है तो आपको जो इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ लाना होगा और छोड़ देना होगा, तो ये जो है यहाँ से वापस से जो पहले जैसा था वैसा ही रिसेट सेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप में से बहुत सारे लोगों को जो है इंग्लिश पढ़ने में या फिर इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप जो है अपने जो कीबोर्ड है उसके ज़रिए आपको जो भी इंग्लिश में मैसेज आए हैं उसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या फिर एक्सटर्नल ऐप जो है डाउनलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो ये जो है मेरा डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है, मतलब सिस्टम के ज़रिए जो कीबोर्ड आया है वही कीबोर्ड है, उसमें ही आपको जो है अगर अपडेट कर देंगे तो ये फीचर जो है आपको आपके जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है उसी में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अभी तक वो जो फीचर है वो नहीं मिला है तो आप जो है जीबोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उसमें जो है काफ़ी सारे फंक्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिलहाल तो मेरे इस बोर्ड में जो है मतलब कीबोर्ड में जो है ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं यही से आपको दिखाता हूँ कि आप जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो जनरली जो है आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक कर देना होगा या फिर 3 डॉट पर क्लिक करना होगा, या फिर यहाँ पर जो है आपको लैंग्वेज का एक ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा। पर जो है मेरा लैंग्वेज का जो ऑप्शन है ये मैंने ऊपर की तरफ सेट कर दिया है जो कि बीच में आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो अगर मुझे किसी ने मैसेज किया है तो उसे जो है मैं हिंदी में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, देख सकते हैं कि मुझे जो है किसी ने जो है मैसेज किया है तो यहाँ पर अगर मुझे इसे हिंदी में कन्वर्ट करना है तो मुझे सिंपली से इसे जो है ऐसे कॉपी कर लेना होगा। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर जो है आपको ट्रांसलेट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कॉपी किया हुआ है वो पहले से यहाँ पर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमस्ते, मतलब जो है वहाँ नमस्ते, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने जो भी इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में यहाँ पर जो भी कॉपी किया था उसका हिंदी में ट्रांसलेट आ गया है। ऊपर की तरफ जो है आपको लैंग्वेज भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो ऊपर की तरफ जो है हिंदी यहाँ पर सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है जो कि आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने जो है हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों ही डाउनलोड करके रखी है और यहाँ पर आपको सेट कर देनी होगी। उसके बाद जो है आपको अगर हिंदी का जो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आपको बस सिंपली से जो बीच में एरो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना, उसी तरीके से आप जो है हिंदी का जो है इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश का जो है हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इंग्लिश का किसी और भी लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपली से आपको वहां पर जो भी लैंग्वेज दी गई है वो डाउनलोड करके वहां पर सिलेक्ट कर देनी होगी। उसके बाद जो है आप जो भी टाइप करेंगे वो जो है दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा।
दोस्तों बात करें अगर हमारे थर्ड सेटिंग के बारे में, तो इस सेटिंग के जरिए आप जो है किसी भी मैसेज को सेव करके रख सकते हैं आपके कीबोर्ड में ही। क्या होता है कि आपको बार बार किसी को ईमेल एड्रेस भेजना होता है या फिर बैंक डिटेल जो है भेजनी होती है या फिर और भी कई सारी चीज़ें जो होती है वो आपको भेजनी होती है, तो वो जो टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय जाता है। तो आप जो है उसे उस मैसेज को जो है सेव करके रख सकते हैं, ताकि क्या होगा कि जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ी आप जो है सिर्फ एक टैप करना है और फिर वो पूरा का पूरा मैसेज जो है वहाँ पर टाइप हो जाएगा और फिर आप उसे आराम से सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको कोई भी जो भी मैसेज जो है आपको सेव करके रखना है उसे पहले तो आपको कॉपी कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है अपना जो एक मैसेज है यहाँ पर आपने टाइप कर दिया है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इस मैसेज को जो है सिंपली से कॉपी कर देता हूँ। पर मैंने जो है अपने जो मैसेज है यहाँ पर कॉपी कर लिया है। उसके बाद जो है आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है आपको क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मैंने जो अपना क्लिपबोर्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऊपर की तरफ सेट कर दिया है। तो ऊपर की तरफ आपको जो है बोर्ड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा होगा, मतलब बोर्ड का एक आइकन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा होगा। तो यहाँ पर जो है क्लिक करना होगा और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्सक्राइब टू माय चैनल मैसेज मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पर जो है यहाँ पर आ गया है। तो अगर मुझे इस मैसेज को जो है सेव करके रखना है तो साइड की तरफ जो है आपको एक पिन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जो मैसेज मैंने जो है अभी यहाँ पर सेव किया है ये मैसेज जो है यहीं पर रहेगा। अगर मैंने इसे पिन नहीं किया है तो ये जो है 1 घंटे में जो है ये डिसअपियर हो जाएगा यहाँ से। तो आप जो कुछ भी मैसेज अगर कॉपी करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि ये जो पिन का ऑप्शन है यहाँ पर जरूर से ज़रूर दबाएं, ताकि क्या होगा कि ये जो है जब तक आप इस पिन के ऑप्शन को नहीं हटाएंगे ये मैसेज यहीं पर रहेगा। और फिर अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर अगर मैंने एक टच किया है तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ वो दूसरा जो सब्सक्राइब टू माई चैनल जो मैंने मैसेज लिखा था वो यहाँ पर मेरे एक ही टैप में पूरा को पूरा टाइप हो गया है। तो ऐसे में जो है आप कोई भी अगर इंपॉर्टेंट जो भी मैसेज होंगे वो सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको जिसको भी भेजने हैं, मतलब फेसबुक पर, व्हाट्सअप पर, इंस्टाग्राम पर, जिसको भी जो भी मैसेज भेजने हैं सेव किए हुए, बस आपको एक टच करना होगा। एक टच कर देने के बाद वो मैसेज जो है अपने आप चैट बॉक्स में टाइप हो जाएगा और फिर आप जो है उसे आराम से सेंड भी कर पाएंगे। तो दोस्तों बात करें अगर हमारे अगले सेटिंग के बारे में, तो इस सेटिंग के जरिए आप जो है अपने एक ही थंब से, मतलब एक ही हैंड से जो है टाइपिंग कर सकते हैं। जनरली जो है सभी लोग जो है दोनों हाथों से टाइप करते हैं, मतलब दोनों हाथों के जो थंब होते हैं उससे टाइप करते हैं। लेकिन अगर आपको एक ही थंब से जो है टाइप करना है तो आपको कीबोर्ड जो है थोड़ा बड़ा होता है और फिर कई सारे लेटर तक पहुँचना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उन्हें टाइप करना भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस सेटिंग के जरिए आप जो है आपके कीबोर्ड को स्प्लिट कर सकते हैं या फिर रिसाइज भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपली जो है आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। 3 डॉट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जो आपको मोड्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। बहुत सारे लोगों के जो स्मार्टफोन में जो है ये ऑप्शन ऊपर की तरफ ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है मैं मोड्स के ऊपर में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो है वन हैंड जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, वन हैंड UI, तो यहाँ पर अगर टैप कर दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा कीबोर्ड है ये एक तरफ शिफ्ट हो गया है। और अगर मुझे दूसरी तरफ शिफ्ट करना है तो मुझे बस इस एरो पर क्लिक करना होगा और फिर ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर मुझे लेफ्ट हैंड से अगर टाइप करना है तो मैं लेफ्ट की तरफ इस कीबोर्ड को ले जाऊंगा और अगर राइट की तरफ करना है तो मैं इस कीबोर्ड को राइट की तरफ ले जाऊंगा। उसी तरह आप अगर थंब के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ आपको जो है थंब का एक ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जा रहा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो कीबोर्ड है ये दोनों तरफ स्प्लिट हो जाएगा। मतलब मुझे अगर थंब से टाइपिंग करनी है तो ये थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी और दोनों ही थंब के जरिए मैं जो है यहाँ पर टाइपिंग कर सकता हूँ। और अगर मुझे सिर्फ एक ही हाथ से अगर टाइपिंग करनी है तो मैं वन हैंड पर क्लिक करूँगा और फिर ये जो कीबोर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा और फिर आप जो है आराम से एक हाथ से भी कीबोर्ड पर जो है टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है लेटर जो है काफ़ी पास आ गए हैं तो आपको जो है काफ़ी सारे लेटर्स तक पहुँचने में दिक्कत भी नहीं होगी और आप जो है उन सभी लेटर्स को टाइप भी कर पाएंगे एकदम आसानी से। और अगर आपको जो है इसको वापस से रिसाइज करना है तो यहाँ पर आपको फुल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। और अगर आपको ये नहीं करना है तो यहाँ पर आपको जो है नीचे की तरफ 4 एरो देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। सो दोस्तों ये भी एक बहुत ही यूजफुल सेटिंग है जो कि आप अपने कीबोर्ड में जो है टाइप करके या फिर यूज करके देख सकते हैं। तो यार यही कुछ सेटिंग थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई। और अगर आपको ये सेटिंग अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। और अगर मेरे लिए कुछ सुझाव हो तो एक कमेंट भी जरूर कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसी ही एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।